हाय व्यूअर्स, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। भगवान का दुआ है कि आप सब अच्छे रहें और खुश रहें। आ नया साल आप लोगों का कैसे बीत रहे हैं? मेरा तो अच्छा ही बीत रहा है। अभी आज तो बच्चे लोगों साथ में थोड़ा सा बागान में कुछ पकाना है मुझे, तो अपना ही घर का चिकन भी है और तो वही सोचा था आज एक काट के हम बना लेते हैं। हम घर का ही हमेशा खरीदते ही खाते हैं, तो बस वही रेसिपी है, आप सबको शेयर करूँगी, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और ये मेरा तो ये बगान है छोटा सा, आज कपड़ा वपड़ा सब धो दी हूँ क्योंकि आज संडे है। और मेरा ये सीम का फली है, पेड़ में देखिए सीम पकड़े भी हुए हैं। ये मेरा फली है, मेरा बगान है, छोटा सा बगान है बस। तो आज मैं आपको चिकन बना के दिखाती हूँ, अभी देसी चिकन। तो देखिए ये है मेरे घर के चिकन, ऑलमोस्ट 1.5 किलो है, 1.5 किलो है। इसको मैंने मैरिनेट करके अभी ये रखा है। तो इसमें मैंने हल्दी, नमक, ऑयल और थोड़ा सा जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के मैं और विनीगर डाल के मैं इसको मैरिनेट करके रखी हूँ आधा घंटे से। 1.5 किलो है और हमें सामग्री ये चाहिए, कम से कम 1.5 किलो है तो हमें आधा किलो से ज़्यादा चॉप्ड अनियन चाहिए, स्लाइस किया हुआ, तो ये मैंने काट के रखी हुई है। और दही चाहिए 3-4 चम्मच और ये मस्टर्ड ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल दोनों मिक्स है इसमें, ये चाहिए। बाद में हम थोड़ा चिकन मसाला भी डालेंगे बाद में, लास्ट में। और हमें चाहिए अभी टमाटर, मैं 2 टमाटर काट के रखी हूँ और 2-4 हरी मिर्च भी रखी हूँ साबुत, और ये तेज पत्ता है, और ये गोटा गरम मसाला है, जीरा है और सूखा मिर्च है, और ये नमक, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, और यहाँ मैं हरी मिर्च और अदरक का लहसुन पेस्ट करके रखी हूँ। तो हमारा ये सब चीज़ से ही हमारा चिकन बन जाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड ने चूल्हा बना के लाई है यूनिट से, ऑफिस से। तो इसमें हम लोग सेकते भी हैं और तो ज़्यादा ठंडी पड़ेगा तो हम लोग थोड़ा शाम को बैठते हैं, चूल्हा जला के आग भी सेक लेते हैं। तो आज इसमें मैं बनाऊंगी, गार्डन में बना रही हूँ चिकन। तो मैं अभी कढ़ाई बिठा देती हूँ। ये पूरे 1.5 कप तैयार है, ऑयल है, मिक्स ऑयल है, हाफ है रिफाइंड ऑयल एंड हाफ है मस्टर्ड ऑयल। तो अब मैं साबुत खड़े मसाला डालूंगी, पहले तेज पत्ता डाल देती हूँ। सूखी मिर्च और गोटा गरम मसाला साबुत वाले, और थोड़ा सा जीरा भी डाल दूंगी, साबुत जीरा है 3 इंची। ये भून चुके हैं तो मैं अभी प्याज डाल दूंगी। देखिए इतनी अच्छी चूल्हा जल रही है, बहुत सुंदर सी चूल्हा जल रही है, अच्छी लग रही है बना के। हस्बैंड ने बना के लाया है चूल्हा, हम लोग कभी कभी कुछ भी बनाते हैं शाम को बैठ के, यहाँ खाते हैं बना के, पकौड़ा वगैरह कुछ भी दिल करे बगान में बैठ के हम लोग खा लेते हैं। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं नमक दूंगी, नमक ऑलमोस्ट मेरे मैंने के लिए दिया हुआ है चिकन का, थोड़ा सा दे दें ताकि थोड़ा नरम हो जाए प्याज। आज एक तरफ से पिकनिक ही हो रहा है, मैं चावल सब्जी ये सब मैं घर में बना चुकी हूँ,
घर में बना के रख दी, तो बच्चों ने बोला है कि चलो मम्मी चिकन गार्डन में बना लेते हैं, तो बस गार्डन में चिकन बनाऊंगी, यहाँ पे ही खाऊंगी, अच्छा लगेगा। तो अभी मैं अदरक लहसुन और चिल्ली पेस्ट डालूंगी, थोड़ा ज़्यादा ही डालना क्योंकि बहुत सारा मीट है। इसमें 3 लहसुन है और 50 ग्राम करीब अदरक है और मिर्ची भी है 50 ग्राम करीब, इतना मैंने पूछा था, इतना नहीं चाहिए हमें, नहीं 150 से ज़्यादा ही है हमारा, तो थोड़ा सा और डाल देती। और इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो आप देखिए जो सूखा मसाला है सब कुछ, ये मैं एक साथ में डाल देती हूँ। और ये नीचे थोड़ा सा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी दे देती हूँ ताकि मसाला जले ना। अभी अच्छे से फ्राई करना है। टमाटर मैं बाद में डालूंगी, अभी चिकन डालूंगी। दही भी मैं बाद में ऐड करूंगी, दही टमाटर सब बाद में दूंगी, अभी नहीं। तो देखिए अब चिकन को मैं डाल देती हूँ मसाला। देखिए तेल छोड़ दिया है, तेल छोड़ दिया, देखिए साइड से पूरा तेल आ गया है। अब मैं चिकन डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करना है। अब मिक्स कर दिया अच्छे से, अब इसको थोड़ी देर कवर कर देती हूँ। तो 5 मिनट हो गए हमें कवर किए हुए थे, अभी मैं निकाल थोड़ा सा गर्म पानी दे देती हूँ ताकि नीचे से जल ना जाए, फिर मैं इसको कवर करके पकाऊंगी धीरे धीरे। ये थोड़ी सी टाइम लगती है देसी मूल। थोड़ी सी और फ्राई हो जाए उसके बाद मैं दही और टमाटर डालूंगी। अब देखिए मैंने 2 चम्मच दही ली थी, मैं इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर ली, तो अभी इसमें डाल देती हूँ। और टमाटर भी डाल दूंगी, और जो साबुत मिर्च है मैं डाल दूंगी, जिसको तीखा चाहिए वो लेके खा लेंगे। अच्छे से हिलाना है ताकि नीचे से ना जले, अगर जलने को लगे तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए। अच्छे से भूनना है, देसी मुर्ग थोड़ा तैयार होने में थोड़ा सा टाइम तो लगती है। इसको कवर कर करके धीमी आंच पर ही पकाना चाहिए। देखिए ऑलमोस्ट पक चुकी है हमारी, बन गई है, इतनी जितनी ग्रेवी है इतनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा पानी अगर होगा तो अच्छा नहीं रहेगा। अब मैं इसमें चिकन मसाला दे देती हूँ। गरम मसाला नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने साबुत गरम मसाला डाली थी। और
ये कोरिएंडर लीव्स ये डाल देती हूँ, धनिया पत्ता। हमारी बन चुकी है, बस अभी खाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है, अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार। देखिए तो आप देखिए हमारा चिकन देसी मुर्ग और राइस ये आप लोगों के लिए, और आप लोग पका के जरूर खाइए, अच्छा लगेगा जरूर आपको। और ये तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखूंगी कैसे, अभी तो बहुत गर्म है, थोड़ी सी मैं ग्रेवी टेस्ट करती हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत टेस्टी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आप लोग बना के पका के जरूर खाइए, परिवार को खिलाइए, अच्छे लगेंगे। तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए और थम्स अप में जरूर कीजिए। तो मैं नई नई रेसिपी और भी डालते रहूँगी, आप लोग खुश रहें, यही भगवान से दुआ है।